नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं HDFC लाइफ के बारे में। शेयर में कंटिन्यूअसली हमें वीकनेस देखने को मिल रही है, तो अगला कौन सा लेवल है जो कि एज अ सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है, और साथ ही साथ ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं HDFC लाइफ का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 559 रुपीज़, जो कि हमें 2% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके मार्केट कैप के बारे में तो आप देख पाएंगे 1,13,000 करोड़ से भी ज़्यादा की मार्केट कैप दिखाई देती है, तो लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 का हिस्सा बन चुकी है। PE रेशियो आप देख पाएंगे 85.54 है, जबकि इंडस्ट्री का PE हमें यहाँ पर 67.86 दिखाई देता है, तो इंडस्ट्री के मुकाबले महंगा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो प्राइस टू बुक रेशियो है 16.68। आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 38.74% की डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि ओवरऑल अच्छी डिलीवरी दिखाई देती है। 25-30 से अगर ऊपर आपको डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि डिसेंट डिलीवरी यहां पर दिखाई देती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक के बारे में, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपको जाननी चाहिए एज अ कंज्यूमर भी, एज अ सिटीजन भी और एज अ इन्वेस्टर भी। तो आप देख पाएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हेल्थ सेगमेंट बीट्स मोटर इंश्योरेंस, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अब तक यहाँ पर मोटर इंश्योरेंस ही ज़्यादा होता हुआ नजर आता था, लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियों का तो इंश्योरेंस करा रहते थे लेकिन अपना खुद का इंश्योरेंस नहीं करवा देते, लाइफ का इंश्योरेंस नहीं करवा देते, हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं करा देते। लेकिन IRDAI का जो डेटा आया है शो दैट व्हाइल मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम सॉ अ 15.7% डिक्लाइन, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स ग्रू 13% YOY इन द April 1-August 31 पीरियड। डिमांड फॉर हेल्थ प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ COVID-19 एंड नॉन रिन्यूअल ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस आर द मेन reasons। तो यही है जो reasons हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको बताया COVID-19 की वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर हो गया है, यहाँ पर मन में डर बैठ गया है। यहाँ पर पहले ऐसी न्यूज़ भी थी कि जो COVID-19 है वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा, लेकिन उसके बाद IRDAI ने ये क्लियर कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे भी प्लान्स है जहाँ पर आप COVID-19 प्रूफ होगा, COVID-19 को आप यहां पर इंश्योर कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर COVID-19 की वजह से हेल्थ सेगमेंट में मोटर इंश्योरेंस को यहां पर बीट कर दिया है। जैसे कि आपको पता है यहां पर गाड़ी लेके कहीं पर भी जाते हैं या कहीं पर हमें पुलिस दिख जाती है तो यहां पर हम चेक करते हैं PUC है कि नहीं, यहां पर कार के कागजात है कि नहीं, यहां पर इंश्योरेंस है कि नहीं। लेकिन यहां पर अपनी खुद की लाइफ, अपने खुद के हेल्थ पर ज्यादा यहां पर फोकस नहीं किया जाता था, तो यहां पर COVID-19 के डर ने हेल्थ सेगमेंट को बढ़ा दिया है और मोटर इंश्योरेंस से भी आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। जो कि ओवरऑल अगर बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी HDFC लाइफ हो गया, SBI लाइफ हो गया, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हो गया, इन तीनों कंपनीज के लिए काफी अच्छी बात है और ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। पहले हमारे इंडिया में यहां पर अवेयरनेस ही कम थी, लाइफ इंश्योरेंस करवाने वाले लोग ही कम थे, और जो लोग करवाते थे ये भी वह सोचकर करवाते थे कि यहां पर हमें थोड़ा सा टैक्स में बचत देखने को मिल जाएगी, टैक्स थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, इसके चलते यहां पर काफी लोग इंश्योरेंस करवाते थे। लेकिन यहां पर COVID-19 की वजह से डर बढ़ने के कारण हेल्थ सेगमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस में भी ऐसी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के पहले स्टॉक ट्रेड करता था 650 के लेवल पर, और आप देख पाएंगे उसके बाद हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। 350 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई। 650 अपने पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से यहाँ पर जाने के बाद हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, और आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 558 के आसपास के लेवल्स पर। यहाँ पर इंडिकेटर्स को भी जान लेते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 28.72। आप देख पाएंगे यहाँ पर कंटिन्यूअसली हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में ट्रेड करा था, उसके बाद गिरावट देखने को मिली। हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी में ट्रेड करने लगा, उसके बाद थोड़ी सी हमें यहाँ पर ऊपर जाता हुआ नजर आया था मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर, लेकिन वापस हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। 28.72 30 के नीचे आ चुका है, यानी कि ओवरसोल्ड कैटेगरी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। अगर बात करें इसके RSI के नंबर के बारे में तो आप देख पाएंगे RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 33, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअसली वीकनेस ही देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, RSI में भी वीकनेस दिखाई दे रही है, जो कि हमें चार्ट्स पर भी दिखाई देती है। MACD के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे MACD में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, जो दर्शाता है कि यहाँ पर गिरावट हो चुकी है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर
लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी सी इसमें तेजी देखने को मिली थी, टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिला था, लेकिन वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। लोअर बैंड के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, लोअर बैंड के लेवल के भी नीचे चला गया है, क्लोजिंग 558 के आसपास हुई है, जबकि जो लोअर बैंड है वो 562 का लेवल है, मीडियन है 584 का लेवल, अपर बैंड है 607 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 588 का लेवल। अगर बात करें रेजिस्टेंस के बारे में तो 610 के आसपास का रेजिस्टेंस ही स्टॉक को फेस करना पड़ा, उसके बाद हमें स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो पहला पिवट सपोर्ट बनकर आता है 553 का लेवल, इससे भी नीचे जाए तो हमें यहाँ पर 531 का लेवल भी दिखाई देता है। यहाँ पर मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूँगा जहाँ पर एक कैंडल वन मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे 2017 के एंड में इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे 550 के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पर उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली थी और छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, अच्छी खासी गिरावट थी, 550 से लेवल के ये 350 के आसपास आता हुआ नजर आया था। लेकिन 2019 का ईयर ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। हमारे तीनों ही स्टॉक SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, तीनों ही स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा हमें तेज़ होते हुए नजर आ रहे थे। HDFC लाइफ यहाँ पर बेस्ट है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जैसे कि आपको पता है मार्केट क्रैश देखने को मिला, तो मार्केट क्रैश में वापस 350 का लेवल हमें रिविजिट होता हुआ नजर आया था, लेकिन वापस हमें तेज़ी भी देखने को मिली, फिर से हमें स्टॉक यहाँ पर नीचे आता हुआ नजर आता है। तो 20 मंथ्स का EMA कैलकुलेट होकर आता है 529 के आसपास का लेवल, आप देख पाएंगे 529 का 20 मंथ्स का EMA हमें दिखाई देता है, और यहाँ पर स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था 550 के आसपास के लेवल पर। हम तो यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लेवल पहले एज ए रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ता है वही लेवल एज ए सपोर्ट फेस करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 550 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा। दूसरे भी रीजंस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक मंथ खत्म हो चुका है, सितंबर का आखिरी दिन भी हो चुका है, ये ट्रेडिंग सेशन भी खत्म हो चुका है, तो आप देख पाएंगे ये जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है मंथली बेसिस पर ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद भारी तेजी देखने को मिली, लेकिन वो तेजी गायब हो गई और जो ओपनिंग हुई थी उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है, और जो लो बना था उसी के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा बियरिश कैंडल का निर्माण हमें यहां पर होता हुआ नजर आता है। इससे पहले की भी जो कैंडल बनी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बियरिश कैंडल हमें देखने को मिली थी, और इस महीने की सितंबर के महीने की कैंडल भी यहाँ पर बियरिश देखने को मिल रही है, तो ये दर्शाते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसे में कौन सा सपोर्ट है वो जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 550 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि 200 डेज का मूविंग एवरेज जो बनकर आता है वो भी यहाँ पर 555 के आसपास बनकर आता है, तो 550 के आसपास ही बनकर आता है, तो 200 डेज का EMA ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें माना जाता है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें और भी गिरावट आ सकती है, तो 550 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी यहाँ पर लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए बेशक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो ये जो सपोर्ट है 550 का सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हमने ऑल टाइम चार्ट पर भी देखा, ये सपोर्ट हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है, यहीं पर रेजिस्टेंस फेस किया था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही लाइन एज अ सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देगी, और 550 के आसपास ही हमें इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी बनकर आता है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी गिरावट शेयर में हमें देखने को मिल सकती है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो ओवरऑल मेरा मानना है स्टॉक बेहिसाब है, यहाँ पर कोई बता ही नहीं सकता, तीनों भी स्टॉक्स है सबसे बेहतर स्टॉक्स है HDFC लाइफ, यहाँ तो हम सभी मानते हैं कि HDFC लाइफ तीनों में से बेहतर स्टॉक्स हमें दिखाई देते हैं, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज दिखाई देती है HDFC लाइफ वन ऑफ द बेस्ट है, और यहाँ पर HDFC नाम जुड़ जाता है तो ब्रांड नेम होती है, काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड ग्रुप है, तो ये भी एक यहाँ पर ब्रांड वैल्यू हम कह सकते हैं कि इनटेंजिबल फैक्टर है जो कि HDFC लाइफ से काम करता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर है। ऑफकोर्स फंडामेंटली भी काफ़ी साउंड कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वैल्यूएशंस के बारे में, अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, सारे पूरे दुनिया की अगर बात करें, तो जितने भी इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक लिस्टेड दिखाई देते हैं, इंडिया में जो वैल्यूएशन है यहां पर इंश्योरेंस स्टॉक्स की बहुत ही महंगी दिखाई देती है, और उसका जेन्युइन रीजन भी है क्योंकि इंडिया में लोग ज्यादा इंश्योरेंस नहीं करवाते, अभी भी जो लोग करवा रहे हैं टैक्स के बचाव के लिए यहां पर करवाते हैं, टैक्स कम देना पड़ेगा उसके कारण यहां पर इंश्योरेंस करवाते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक यहां पर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सभी स्कीम्स को अवॉइड ही करना पसंद करती है। तो यहां पर जो मार्केट है वो इमर्जिंग मार्केट है, और जैसे जैसे यहां पर समय बीतेगा,
आगे आने वाली पीढ़ी यहाँ पर अवेयर होती जाएगी, एजुकेटेड होती जाएगी, तो वो यहाँ पर सोच समझ कर ये सारे स्कीम्स पर ध्यान देकर यहाँ पर इन्हें सब्सक्राइब करेंगी, यानी इंश्योरेंस प्लान्स को यहाँ पर अपनाएंगी, तो आगे आने वाले सालों में यहाँ पर बहुत ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और उसी के कारण इंश्योरेंस स्टॉक्स हमें इंडिया में महंगे दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ HDFC लाइफ का जो वैल्यूएशन है बहुत ही ज़्यादा महंगा है। हमने देखा PE वैल्यूएशन 85 के आसपास था, इंडस्ट्री का PE भी 67 के आसपास है, उससे भी महंगा वैल्यूएशन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। भले ही अच्छा स्टॉक है लेकिन यहाँ पर वैल्यूएशन महंगे, ये भी एक पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में। तो ऑफकोर्स स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बुराई नहीं है, और जैसे कि मैंने कहा आगे आने वाले सालों में लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर हमें बदलता हुआ नजर आ सकता है, हेल्थ सेक्टर का यहाँ पर सेगमेंट है वो बदलता हुआ नजर आ सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप बाइंग के बारे में ऑफकोर्स सोच सकते हैं। तो 550 का लेवल वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये लेवल पर ये सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, वरना इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। 550 का लेवल टूट गया तो और भी गिरावट देखने को मिलेगी, तो कौन से लेवल्स पर हमें ध्यान रखना चाहिए? आप देख पाएंगे स्टॉक ने काफी दिनों तक इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन दिखाया था, जो कि था 480 से करके 540 के आसपास का लेवल, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 500 एंड बिलो यहाँ पर दिखाई देता है तो वहां पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। 500 एंड बिलो दिखाई देता है तो अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय एंड डिप्स करना शुरू कर दीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।